सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज से यह एक नई सीरीज आरंभ हो रही है और जन सामान्य को ध्यान में रखते हुए और वेद भगवान वाणी को संपूर्ण विश्व के अंदर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस सीरीज का आरंभ हो रहा है। मित्रों, चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद आपके समक्ष हैं, ये मूल वेद हैं। इसके अंदर केवल ये ऋग्वेद है और यह आपका यजुर्वेद है और यह आपका सामवेद है और यह आपका अथर्ववेद है। इन चारों वेदों के मंत्र भाग को, केवल मंत्र मंत्र पाठ को, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण आप तक पहुंचाने के लिए, करोड़ों लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए इस सीरीज का आरंभ किया जा रहा है। इसके लिए मित्रों, हम चारों वेदों के संपूर्ण मंत्रों का शुद्ध उच्चारण स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से करके आप तक पहुंचाएंगे। ये ऋग्वेद की सीरीज बन रही है, इसी के साथ साथ यजुर्वेद की भी सीरीज आपको प्राप्त होगी, सामवेद की भी होगी, अथर्ववेद की भी होगी। मित्रों, वेद के मंत्रों का उच्चारण दो प्रकार से किया जाता है, एक स्वर के साथ किया जाता है और एक सामान्य ढंग से किया जाता है, सामान्य रूप से किया जाता है। स्वर से उच्चारण करने की जो प्रथा है, परंपरा है, वो काफी जटिल परंपरा है, परंतु दूसरी जो एक श्रुति की परंपरा कहते हैं, अर्थात बिना स्वर लगाए हुए भी हम मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप में कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आप सभी को ध्यान में रखते हुए जो एक श्रुति की परंपरा है, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण सामान्य रूप से करने की परंपरा है, उस परंपरा से आपको चारों वेदों के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण यहां पर आप तक पहुंचाऊंगा। आपसे यही आशा करता हूं, यही निवेदन करता हूं कि ये लगभग 20,000 मंत्रों का उच्चारण आप तक वीडियोज के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। प्लेलिस्ट में चारों वेदों की अलग अलग सीरीज बना दी जाएगी, ऋग्वेद का कॉलम अलग बन जाएगा, आप ऋग्वेद के कॉलम पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियोज आपको ऋग्वेद की प्राप्त हो जाएंगे। यजुर्वेद के कॉलम पर आप क्लिक करेंगे, यजुर्वेद की सभी वीडियोज, इसी प्रकार से सामवेद तथा अथर्ववेद की सभी वीडियोज आपके पास में उपलब्ध रहेंगे। हम आपसे केवल और केवल इतना योगदान चाहते हैं, इतना सहयोग चाहते हैं इस वेद प्रचार कार्य में कि आप अधिक से अधिक अपने सगे संबंधियों तक इन वीडियोज को शेयर करके ले जाइएगा। बस इतना कार्य आपका है, बाकी मैं यहां पर आपको शुद्ध उच्चारण करके ये मंत्रों का जो कार्य है वो आप तक पहुंचाऊंगा। जिन भी पाठक को ये मूल पुस्तकें चाहिए, ये इसमें अर्थ नहीं है, केवल मूल मूल मंत्र का पाठ है, मंत्र मंत्र पाठ है, जिनको भी चाहिए तो आप सभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है देववाणी संस्कृतम .com वेबसाइट का, उस वेबसाइट से आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं। जो मंगाना चाहें, जो अपने घर में वेद की पुस्तकों को रखना चाहें, उनके लिए ये सुविधा भी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।
इसमें हम केवल आपको हमने बताया कि मंत्रों का पाठ शुद्ध आपको करके यहां पर आपको उच्चारण करते जाएंगे, आपको सुनना है, साथ साथ में आप भी बोल सकते हैं। और प्रत्येक वीडियो, आगे की जो वीडियो होंगी, लगभग कोई 10 मिनट की होगी, कोई 15 मिनट की होगी, उस 15 से 10 मिनट की वीडियो में हम आपको जितने भी मंत्रों का पाठ होगा उतने उतने मंत्रों का पाठ आपको निरंतर उपलब्ध कराते जाएंगे। चलिएगा, और अधिक जानकारी के लिए मित्रों आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। देववाणी संस्कृतम का जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ लोगों को संस्कृत भाषा को सिखाना, संस्कृत से जोड़ना तथा वैदिक संस्कृति से जोड़ना है। चलिएगा, और यदि आप अपना सहयोग आर्थिक रूप में हमें देना चाहते हैं, देना चाहिए, इतना बड़ा हम कार्य कर रहे हैं, तो आप अपना सहयोग भी हमें 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपये, 100 रुपये प्रति माह, प्रति दिन, प्रति सप्ताह भी दें, ऐसा इस यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए हम निवेदन भी करते। चलिएगा मित्रों, ये ऋग्वेद संहिता, आइएगा अब मंत्र का मैं पाठ करता जाऊंगा। विशेष चर्चा यहां पर बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, केवल और केवल आपको यहां पर मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करके बतलाया जाएगा। अथ ऋग्वेद संहिता, अथ प्रथमं मंडलम, अथ प्रथमाष्टके प्रथमोऽध्यायः, प्रथमं सूक्तं ऋषिः मधुच्छन्दाः देवता अग्निः छन्दः 1, 3, 5, ठीक है, ये छंद आगे दिया है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी पढ़ रहा हूं, आगे नहीं पढ़ूंगा। 7 गायत्री, ये गायत्री छंद है। 2 पिपीलिका मध्य निश्चित गायत्री, ये छंदों के लक्षण है। ये छठवां मंत्र है वो निश्चित गायत्री है। 8वां है यव मध्या विराट गायत्री। 9वां मंत्र है विराट गायत्री, स्वर षड्ज है, ठीक है, इसका आपको अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, ये अलग से आपको सिखाया जाता है। चलिए, अग्निमीढे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्तिजं होतारं रत्नधातमं अग्निः पूर्वे ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुता स देवा एह वक्षति अग्निना रैमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि सा इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कवि क्रतोः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवे विरागमत् यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत सत्यमंगिरः उपात्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दिदिविं वर्धमानं स्वेदमे नः पितेव सून विघ्ने सुपायनो भव स च स्वा नः स्वस्तये
द्वितीयम् सूक्तम् वायवाया हि दर्शते मे सोमा अरंकृताः एषां पाहि शुधी हवम्। वाय उक्ते भिर्जरन्ते त्वा मच्छा जरितारः तुत सोमा अहर्विदः वायो तव प्रापृञ्चन्ति धेना जिगाति दाशुषे उरुचि सोम पीतये इन्द्रवायु इमे सुता उपप्रयोभिरागतम् इन्दवो वामुषन्तिः वायविन्द्रश्च चेतथः सुतानां वाजिनी वसु तावा यातमुपद्रवत् वायविन्द्रश्च सुन्वता आयातमुपनिष्कृतम् मक्ष्वित्था धिया नरा मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च ऋषादसं धियं घृताचीं साधन्ता ऋतेन मित्रा वरुणा वृता वृधा वितस्पृशा क्रतुं बृहन्तमाशाथे कवि नो मित्रा वरुणा तु विजाता पुरुक्षया दक्षं दधाते अपसम्। तृतीयं सूक्तम् अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत्पाणि शुभस्पति पुरुभुजा चनस्यतम् अश्विना पुरुधंससा नराः शवीरया धिया कृष्ण्या वनतं गिरः दस्रा युवाकवः सुता न सत्या वित्तवर्हिषः आयातं रुद्रवर्तनी इन्द्रा या हि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः अण्वी भिस्तना पूता सह इन्द्रा या हि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः उपा ब्रह्माणि वाघतः इन्द्रा या हि तु जाना उपब्रह्माणि हरिवः सुते दधिष्वनश्चनः। ओमासश्चर्षणी धृतो विश्वे देवास आगत दाश्वांसो दाशुषः सुतम् विश्वे देवासो अप्तुरः सुतमा गन्ततूर्णयः उस्रा इव स्वसराणि विश्वे देवासो अस्रिधा एहि मायासो अद्रुहः मेधं युषन्त वह्नयः पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसुः
चौदह इत्री सूनृता नाम चेतंती सुमती नाम यज्ञम दधे सरस्वती महो अर्णः सरस्वती प्राचेतायति केतुना धियो विश्वा विराजति चतुर्थं सूक्तम् सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे जुहु मसि द्यवि द्यवि उपानः सवना गहि सोमस्य सोमपाह पिब गोदा इद्रेवतो मदः अथाते अन्तमानां विद्यामा सुमतीनां मानो अतिख्य आगहि परेहि विग्रमस्त्रीतमिन्द्रं रिक्षा विपश्चितम् यस्ते सखिभ्य आवरम् उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत दधाना इन्द्र सिद्धुवः उत नः शुभगा हरिर्वोचेयुर्दस्म कृष्टयः यामे दिन्द्रस्य शर्मणि एमाशो माशवे भरय जश्यम् निर्मादनम् पतयन् मन्दयत् सखम् अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वृत्राणामभवः प्रावो वाजेषु वाजिनम् तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो धनानामिन्द्रसातये यो रायोन्वनिर्महान् सुपारः सुन्वतः सखा तस्मा इन्द्राय गायत पञ्चमं सूक्तम् आत्वेतानि क्षीदतेन्द्रमभिप्रगायत सखायः स्तोमवाहसः पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम् इन्द्रं सोमे स चासुते स घानो योग आभुवत्सराये स पुरन्ध्यां गमद्वाजेभिरासनः यस्य संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु शत्रवः तस्मा इन्द्राय गायत सुतपाब्ने सुता इमे शुचयो यन्ति वीतये सोमासो दध्या शिरः त्वं सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो अजायथाः इन्द्र ज्येष्ठाय सुकृतो आत्वा विशन्त्वा शवः सोमास इन्द्र गिर्वणः क्षन्ते सन्तु प्रचेतसे त्वां स्तोमा अविवृधन् त्वा मुक्था शतक्रतो त्वां वर्धन्तु नो गिरः अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहस्रिणम्
यस्मिन् विश्वानि पंस्या मानो मर्ता अभिद्रुहं तनूनामिन्द्र गिर्वणः ईशानो यवयावधम। ये मित्रों आज इस सामने वीडियो में पांच सूक्त आपको प्रथम मंडल के उच्चारण करा दिए हैं, और अब इसी प्रकार से किसी में पांच सूक्त, किसी में आठ सूक्त, किसी में चार सूक्त, लगभग 50 मंत्रों का हम आपको यहां पर प्रत्येक वीडियो में उच्चारण करके देंगे। आपसे अब भी निवेदन करते हैं कि आप इन वीडियोज को वेदों के मंत्रों की जो ध्वनि है वो सभी हिंदुओं के घर में पहुंचे। वेद को जानते नहीं है परंतु इतना जानते हैं कि वेद हैं हमारे धर्म के ग्रंथ, वो आखिर वेद के मंत्रों की ध्वनि ही सुन लें, फिर विशेष जिज्ञासा हो तो अर्थ भी समझे। तो ये वेद के प्रचार एवं प्रसार के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। तो शेयर अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक देववाणी संस्कृतम केवल और केवल संस्कृत भाषा तथा सत्य सनातन वैदिक धर्म की प्रचार और प्रसार के लिए कार्य करता है। आइएगा, सभी को सादर नमस्ते।